गाइस, वेलकम है आप सबका अपने ट्रस्ट चैनल में, केपी टेक चैनल में। गाइस, मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि कैसे हम किसी भी रियलमी डिवाइसेस या किसी ऑन एनी एंड्रॉइड डिवाइसेस को हम कैसे स्टॉक एंड्रॉइड जैसे बदल सकते हैं। जो जैसे देखिए गाइस, क्या होता है ना कि कस्टम किसी किसी को कस्टम जो है पसंद ना होता नहीं होता लॉन्चर, जिसमें उसकी परेशानी होती है, इसमें ऐप डाउनलोड नहीं होते ना, इसीलिए उनको परेशानी होती है। इसलिए मैं आपको बताने जाऊँगा हम किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को कैसे स्टॉक एंड्रॉइड में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं गाइस। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप सर्च करना होगा, लीन लॉन्चर। ये लॉन्चर देखिए, ये ऐप लॉन्चर होगा। ये सिर्फ 1.3 MB का है, ज़्यादा बड़ी साइज नहीं है इसकी। इसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना होगा। फिर आपको सबसे पहले आपको सिस्टम ऐप्स में जाना होगा, सॉरी ऐप मैनेजमेंट में जाना होगा। आपको ऐप मैनेजमेंट जाने के बाद आपको डिफॉल्ट ऐप मैनेजमेंट में जाना होगा, और आपको सबसे पहले दिखेगा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर टैप करने के बाद देखिए, आपको नीचे दिखेगा लीन लॉन्चर, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आएगा ऐसा ऑप्शन चेंज होम स्क्रीन, इसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए, हमारा लुक टोटली चेंज हो गया ना। अभी कैसे बैग वगैरह कुछ भी करिए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। इसको करने के बाद आपको फिर उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करना होगा, मिंटी लॉन्चर, या कोई भी आइकॉन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लॉन्चर की खूबी ये है ना, आप किसी भी आइकॉन पैक को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक आइकॉन पैक अप्लाई करके दिखाता हूँ। एक मिंटी फ्री ऐप आएगा, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है, इसका डाउनलोडेड है ऑलरेडी। इसको आपको स्क्रीन पर टैप करना होगा, फिर होम सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ आपको आपको दिख जाएगा। हेड ऐप्स में जाना होगा, ठीक है, आइकॉन पैक्स, आपको मिंटी फ्री पे क्लिक करना होगा, ये आपको ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर लुक एंड फील, आपको इसको चाहते तो आप ब्लैक लाइट डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें और ये है कि आपको सबसे पहले लुक एंड फील है ना, ब्लैक कलर्स में आपको चाहेंगे तो डार्क को ब्लैक भी कर सकते हैं। सर्च बार को आप आइकॉन साइज चेंज भी कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, लुक एंड फील में जाके। और इसमें आपको आप डबल टैप टू बैकअप का भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं बिना किसी अदर ऐप को यूज किए हुए, ठीक है। देखिए अब हमारा कैसा लुक है फोन का, कुछ इस टाइप का लुक आ गया फोन का हमारा, ठीक है। अभी इसमें और कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसको दो दिखता हुआ आइकॉन पैक के नीचे जनरेटिव एडिटिव आइकॉन पैक, इस पर क्लिक करिएगा, और फिर एक्स्ट्रा कलर लेगेसी आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा होम स्क्रीन का आइकॉन कैसा हो गया, बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है ना। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं यूट्यूब पे नया नया आया हूँ, इसलिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं क्या चेंज नहीं कर सकता हूँ अपने आवाज़ या क्वालिटी में चेंज कर सकता हूँ कि आप मुझे कमेंट